नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सितंबर के महीने में होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट प्लैनेटरी चेंजेस के बारे में डिस्कस करूँगी। जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्लैनेटरी चेंज है वो 9 सितंबर को हो रहा है, तब मार्स जो कि एरीज राशि में गोचर कर रहे हैं वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्रीय हो रहे हैं। जुपिटर गुरु 12 सितंबर को वक्रीय से डायरेक्ट हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो रहे हैं। 23 सितंबर को राहु केतु अपनी राशि 1.5 साल के बाद बदल रहे हैं। 29 सितंबर को शनि जो कि वो भी अभी तक वक्रीय थे वो डायरेक्ट हो रहे हैं। 5 ग्रह इस महीने स्वराशि अपनी ही राशि में है। ये सारी चीज़ों को अगर हम इंडिया की प्लैनेट हॉरोस्कोप में अप्लाई करें तो क्या हम देख पाते हैं? देखिए, इंडिया का जो लग्न है वो टॉरस लग्न है, वृष लग्न है। टॉरस के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, वीनस है। वीनस जो है आज की तारीख में इंडिया की, इस महीने में भी रादर, इंडिया की हॉरोस्कोप में 3rd हाउस में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, कैंसर साइन में। 3rd हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेबर्स को। रेट्रोग्रेड मार्स एंड रेट्रोग्रेड सैटर्न इज एस्पेक्टिंग वीनस इन दी 3rd हाउस। मार्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है आर्मी को, मार्स जो है रिप्रेजेंट करता है वेपन्स को, आर्मामेंट्स को। अब क्या होगा, ये जो प्लैनेटरी पोजिशन बन रही है इससे जो बॉर्डर पे जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा टेंस होगी। इसके अलावा पाकिस्तान की कुंडली अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो लग्न है वो एरीज है, मेष लग्न है। मंगल मेष में वक्रीय होके बैठे हुए हैं जो 9 सितंबर को हो जाएंगे। इससे क्या होगा, पाकिस्तान भी जो है कुछ ना कुछ नोटोरियस एक्टिविटी करेगा। दूसरी चीज, वीनस जो कि कर्क राशि में गोचर कर रहा है वो पाकिस्तान की कुंडली में 4th घर में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। शुक्र जो है इस समय पीड़ित हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में 4th घर 4th हाउस जो है किसी भी देश के इंटरनल सिचुएशन को बताता है, तो पाकिस्तान के लिए ये जो समय है उसकी जो इंटरनल कंडीशन है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। ऑल्सो मैंने अपने पहले वीडियोस में कहा है कि जो अभी के जो प्लैनेटरी पोजीशन है और जो आगे कुछ महीनों में आने वाले महीनों की है उसमें पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के लिए और पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट के लिए सिचुएशन जो है कोई बहुत अच्छी नहीं है। वीनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है विमेन को, तो वीनस का पीड़ित होना ऑल्सो शोज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि विमेन के अगेंस्ट जो है क्राइम जो है वो बढ़ सकता है। ऑल्सो विमेन को जो है इस महीने में चैलेंजेस जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, कोई स्कैंडल या कोई कॉन्ट्रोवर्सी में जो है विमेन स्पेशली जो है वो टारगेट हो सकती है। राहु और केतु जो है वो भी राशि बदल रहे हैं और वो इंडिया की लग्न में और 7th घर में गोचर करेंगे। जैसे मैंने कहा गुरु जुपिटर और शनि जो है वो भी डायरेक्ट हो रहे हैं। गुरु जो है वो बेनिफिक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, पर अभी तक क्या हो रहा था, काफ़ी समय से गुरु जो है वो केतु के साथ गोचर कर रहे थे, उसके बाद जो है गुरु वक्रीय हो गए, तो जो गुरु की बेनिफिशियंस है उसका जो है हम फायदा नहीं उठा पाए। तो अब जो है गुरु अपनी ही राशि में डायरेक्ट हो रहे हैं, शनि भी अपनी ही राशि में डायरेक्ट हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इंडिया की जो पोजीशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। बॉर्डर पे इशू बढ़ेगा पर इंडिया की पोजीशन भी स्ट्रांग होगी और इंडिया जो है उसको अच्छे से टैकल भी कर पाएगी। राहु केतु का जो मूवमेंट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, 2 वजह से इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज, राहु और केतु का जो ये मूवमेंट है ये हेल्प करेगा कोरोना को कंट्रोल करने में। दूसरी चीज, राहु केतु प्लस शनि जो कि 9वें घर में भाग्येश में गोचर कर रहे हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि इंडिया जो है कोई ना कोई वैक्सीन जो है कोरोना के अगेंस्ट में जल्दी ही डेवलप कर लेगा, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर आर कंट्री। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास है। क्या होता है अधिक मास, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, जो हिंदू पंचांग है उसमें जो हम हिंदी जो कैलेंडर है
उसमें जो हम महीनों का कैलकुलेशन करते हैं वो हम मून के, चंद्रमा के मूवमेंट के हिसाब से करते हैं। तो जो हिंदी महीना है वो 27 दिन का होता है, 27.3 डेज का होता है। और जो सोलर मंथ होता है, जो कैलेंडर में जो इंग्लिश में जो हम जो सोलर मंथ कैलकुलेट करते हैं, वो जो है 30 दिन या 31 दिन का होता है। अब क्या होता है कि 27 दिन का और 30 दिन, हर साल क्या होता है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 11 दिन का डिफरेंस आ जाता है। तो हर 32 महीनों के बाद एक एक्स्ट्रा महीना, एक महीना जो है वो ऐड कर दिया जाता है, जिसको कि अधिक मास कहा जाता है। इसलिए किया जाता है जिससे कि जो सोलर मंथ है और जो लूनर मंथ है वो बराबर से हो जाए, इक्वल हो जाए। जो ये अधिक मास है इसको पुरुषोत्तम मास और मल मास भी कहा जाता है। ये जो महीना होता है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। सो इस महीने में अगर आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, इस महीने में भजन कीर्तन करना चाहें, या आपकी कुंडली में कोई दोष है उसके निवारण के लिए आप जो है कोई हवन या यज्ञ करना चाहें, तो इस महीने में ज़रूर करें। उसके अलावा दान का काम अगर आप करना चाहें, किसी तरह का दान करना चाहें, किसी तरह की सेवा करना चाहें, तो उसके लिए भी जो है ये महीना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो बल्कि मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि इस महीने में जो है ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करें। क्या चीज़ें हैं जो इस महीने में नहीं करनी चाहिए? इस महीने में शादी या शादी से रिलेटेड, जैसे कोई सगाई हुई या रोका सेरेमनी हुई, ऐसी चीज़ें जो है वो अवॉइड करें। इसके अलावा जैसे मुंडन हुआ या गृह प्रवेश हुआ या अन्नप्राशन हुआ या गोद भराई की रस्म हुई, तो ऐसी जो रस्में होती हैं उनको जो है इस महीने में अवॉइड करने को कहा जाता है। पर भगवान से जुड़ने के लिए, भक्ति के लिए ये महीना जो है बहुत ही शुभ महीना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। I will be really looking forward for your feedback. Thank you very much and take care of yourself.